सुई गैस कंपनी ने भी आवाम को लूटने का आगाज़ कर दिया। जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि प्रीवियस रीडिंग है 27657 और करंट रीडिंग है 27707। ये टोटल अगर आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो ये बनते हैं 50 यूनिट्स। उन्होंने अपने सिस्टम से इसको 53 यूनिट्स बना दिए। इसी तरीके से आप इनका स्लैप रेट देख सकते हैं कि अगर आपके 50 यूनिट बनेंगे तो 121 MMBTU रेट चार्ज करेंगे, और अगर 50 से अबव आपके यूनिट होंगे तो 300 के हिसाब से MMBTU रेट चार्ज किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 50 यूनिट्स बने थे, इन्होंने इसको 53 यूनिट्स बना दिए, जो कि अगर हम 50 यूनिट्स बनाए तो इस MMBTU के हिसाब से इसका 212 रुपये अमाउंट बनता है। इन्होंने 3 यूनिट्स इजाफी बनाकर इसमें 32 रुपये इजाफी चार्ज किए। इसी तरीके से आप इनका दूसरा बिल भी देख सकते हैं कि इसमें प्रीवियस रीडिंग है 27040 और इसकी करंट रीडिंग है 27325। इस तरीके से ये टोटल यूनिट्स बनते हैं 285। इन्होंने अपने सिस्टम से इसको 304 यूनिट बना दिए। इस तरीके से आप इनका स्लैब रेट भी देख सकते हैं कि अगर 300 यूनिट्स बनेंगे तो 738 MMBTU रेट चार्ज किया जाएगा, जिसका अमाउंट बनेगा 7787 रुपये। इस तरीके से अगर आपका 300 से अबव यूनिट्स बनेंगे तो उसका MMBTU रेट चार्ज किया जाएगा 1107। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने 156 रुपये इसमें इजाफी चार्ज किए, जो कि इस बिल में 285 यूनिट्स बने थे, इन्होंने 304 इसको अपने सिस्टम से बना दिए। ये कराची के आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने सुई गैस कंपनी के बिल लाजमी तौर पर चेक करें किस तरीके से ये आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इनके इस फ्रॉड से बच सकें। शुक्रिया।